अगर के हॉस्टल में से आए वो यहाँ पे रह ले okay. तो पहली बार आए वो नहीं रहने उसमें थोड़ा कंट्रोल करना Every single day I'm gonna make something great सो गाइज आप देख सकते हो ये डी ब्लॉक है हॉस्टल का और ए बी सी पीछे की साइड है तो अभी हम डी ब्लॉक में चलते हैं और आपको यहाँ से व्यूज दिखाता हूँ पूरा रूम कैसा है और सारी चीज़ें दिखाता हूँ तो चलिए फटाफट से यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा इस तरह से है पूरी हॉस्टल और अंदर से भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नोट डाउन करके जाना होता है यहाँ पे इस साइड सीढ़ियाँ है तो यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है उससे मिलते उसका रूम आपको दिखाता हूँ तो व्यूज किस तरह से दिखता है देख सकते हो गाइस इस तरह से व्यूज है और यहाँ पे इस तरह से ये वॉशरूम्स है ग्रीन हरी सो गाइज अभी मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ अंदर से किस तरह से तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो इस तरह से पूरा रूम होता है यहाँ पर टेबल्स अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं स्विच यहाँ पर कबर्ड्स होते हैं अलग अलग और इस तरह से यहाँ पर गैलरी मिलती है आप लोगों को सो गाइज अभी रूम देखने के बाद आप लोगों को ऊपर से व्यू दिखाता हूँ छत पे से पूरा किस तरह का स्ट्रक्चर्स है हॉस्टल कहाँ पे डिफरेंट ए ब्लॉक कहाँ पे बी ब्लॉक कहाँ पे कॉलेज के डिपार्टमेंट्स अलग अलग कहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट कंप्यूटर वो सब कहाँ कहाँ पे तो चलते ऊपर यहाँ से जाएंगे अब इस तरह जो है छत पे नहीं ये नहीं देखना है यहाँ पे सोलर पैनल सो आप देख सकते हो यहाँ पे तालाब भी है पीछे देखिए वहाँ पे उस जगह पे हॉस्टल के बारे में तो बोलना ये है कि हमारी जो डी ब्लॉक है बेस्ट हॉस्टल है यहाँ पे खाली खाने की कभी कभी तकलीफ होती है मतलब खाना हम लोग मेस में खाते हैं मेस में कभी कभी या फिर बाहर होटल है वहाँ पे खाते हैं ठीक है और यहाँ पे लाइट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है कभी कभी लाइट चली जाती है एग्जाम में भी कभी कभी लाइट चली जाती है उसके अंदर फिर हमारे को सब सबमिशन का काम होता है ना तब थोड़ी तकलीफ पड़ जाती है खाली और तो कुछ नहीं और बाकी तो हॉस्टल तो बेस्ट है यहाँ के लोगों भी अच्छे हैं यूनिटी भी बहुत है और उसकी ये प्राइसिंग क्या है यहाँ पर रहने की फीस के बारे में ऐसा है कि साल की 1700 रुपये है एडमिशन फीस अलग से है बाकी ये बाहर जो हॉस्टल में रहते हैं लोग प्राइवेट हॉस्टल में वहाँ से तो अच्छा है क्योंकि रोज़ अप डाउन करने से अच्छा हम लोग कॉलेज में ही है इस हिसाब से हम लोग को थोड़ा सही रहता है कॉलेज कुछ भी काम हो तो हम लोग आ सकते हैं और यहाँ पर टाइम भी बच जाता होगा आप लोगों का टाइम भी बच जाता है कपड़े वपड़े खुद धोने पड़ते हैं और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो खाने में क्या क्या मिल जाता है यहाँ पर वो भी बता दीजिए खाने में आसपास तो बाहर गुजराती थाली है अपने पंजाबी थाली है बाहर जाते तो थोड़ा भाव महंगा पड़ता है बाकी यहाँ मेस में सस्ता पड़ता है मेस में भी जो लोग मेस में जाते हैं वहाँ ए बी सी ब्लॉक में जो लोग रहते हैं वो लोग मेस में ही जाते हैं बाकी डी ब्लॉक वाले मन मर्जी के हिसाब से बाहर भी चले जाते हैं मेस में भी चले जाते हैं उस तरह अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो एक्चुअली लोग सर्च करते हैं मेस पे तो उनको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी आपके रिव्यूज से तो थैंक यू विराज वहाँ पे ए बी सी ब्लॉक हॉस्टल के वहाँ पे हम स्टूडेंट के रिव्यू पूछेंगे लेट्स गो गाइस यहाँ पे ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक हॉस्टल के और अभी हम वहाँ पे देख के आए तो गाइस यहाँ पे आज हमारे साथ है राज जयदीप और जेनिश तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ हॉस्टल के रिव्यूज तो हम स्टार्ट करते हैं जयदीप राज से तो राज बताइए आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे और टॉयलेट और बाथरूम की थोड़ी परेशानी रहती है
हम लोग एडजस्ट करके चला जाए, मैनेज कर लेते, मैनेज कर ले कुछ, और थोड़ा बहुत पीने के पानी में प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कभी कभार ही रहता है कि कभी कभार पानी की समस्या रहती है। खाने पीने के लिए यहाँ पे सामने दूसरा ब्लॉक है, वहाँ पे हमारी मेस का सुविधा है, और वहाँ पे एक हफ्ते का अलग अलग मेनू रहता है, तो खाने पीने में अच्छा रहता है ना। अच्छा, खाने पीने की भी अच्छी सुविधा है यहाँ पे अवेलेबल, तो जैसे यहाँ पे राज बता रहे हैं, तो और पानी की समस्या थोड़ी बहुत कभी कभार वो सब हो रहा, तो और कोई दिक्कत है लाइटिंग की और सब की यहाँ पर? लाइटिंग और दरवाजे की कभी कभार रहती है, लेकिन वो कभी सर आती है तो हम कंप्लेन करते हैं और सोल्व हो जाती है, सोल्व हो जाती है। यहाँ पर आप कंप्लेन करते हो तो तुरंत उसको सोल्यूशन मिल जाता है। तो थैंक यू राज, और अब हम जानते हैं जयदीप से। हाँ जयदीप, तो आप बताइए कि आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? एक साल से रह रहे हैं, तो ये बताएंगे कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर एक साल के दौरान? हॉस्टल में आए वो यहाँ पे रहने, पहली बार आए वो नहीं रहने, उसमें थोड़ा कंट्रोल करना, टॉयलेट बाथरूम क्योंकि लाइट नहीं होती, ट्यूबलाइट चली जाती है, तो उसमें कंट्रोल करना पड़ता है, खाने में थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि कुकर नहीं लगता अच्छा, तो पानी में अगर लाइट चली गई तो थोड़ी देर बाद आता है, शाम को आता है, दोपहर को लाइट शाम को पानी आता है, तो चार पाँच घंटे छः सात घंटे लाइट चली जाती है। हाँ हाँ, कभी कभी चली जाती है, वो यहाँ पे एक बार चली गई थी तो तुरंत ऐसा कोई नहीं, जब ऊपर से कट होता है ना तब दिक्कत होती है, तो यहाँ पे लाइट की कभी कभार प्रॉब्लम्स होती है, और सॉल्यूशन भी तुरंत आ जाता है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और पानी की, और जैसे जयदीप बता रहे हैं कि पहली बार यहाँ पे आते हैं, जो पहली बार हॉस्टल में आते हैं रहने के लिए, उसको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो हॉस्टल में पहले रह चुके हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, तो और क्या आप बताना चाहेंगे? और यहाँ पे जैसे बता रहे कि टेबल सुविधा है पढ़ने के लिए, कुर्सियाँ है अवेलेबल, सब अवेलेबल है, सारी सुविधा है गवर्नमेंट हॉस्टल में अवेलेबल है। तो थैंक यू जयदीप। तो यहाँ पे अभी जेनिस है वो बताएंगे हॉस्टल के लिए, तो आप क्या बताएंगे? मैं यहाँ करीब एक साल से अभ्यास कर रहा हूँ, कंप्यूटर ब्रांच में अभ्यास कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ हॉस्टल पे पहले देखने आया था, तो मैं कैसा होता है कि हम एडमिशन लेके तब देखने आया था, तो देखने आया था तब ये ब्लॉक में कुछ नहीं था, दरवाजे तो ठीक नहीं थे, और बाथरूम का भी दरवाजा वो ये सब कुछ ठीक नहीं था, और मैंने पहले ऐसे सोचा कि इस हॉस्टल में क्या रहेंगे, तो पूरा खंडेर जैसा पड़ा। पर जब हॉस्टल का एडमिशन पता हुआ और टर्म चालू हुआ, मैं फिर यहाँ रहने आया, तभी सब कुछ क्लीन था और सब कुछ ठीक हो गया था। यहाँ पे हमारे जो रेक्टर है वो भी अच्छे है, हम एक बार कंप्लेन कर देते हैं तो तुरंत सोल्व हो जाती है। अभी ये देखिए नेट अभी यहाँ पे लगाई है हमारे खेलने के लिए, और नेट कभी थाली में टूट गई थी, हमने बोला सर नेट टूट गई, और वॉलीबॉल का बॉल भी नहीं, तो सर ने तुरंत दिलवा दिया। तो वॉलीबॉल का ग्राउंड है पर उसमें एक समस्या है कि घास है और वो सब खड्डे है, वो साफ नहीं किए अभी तक, पर हम जो कंप्लेन करते हैं सर तुरंत सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे नेट है गाइस, तो यहाँ पे इन लोगों ने जैसे कंप्लेन किया था तो टूट गई थी, तो उसका सॉल्यूशन भी तुरंत आ गया, तो यहाँ पे नेट वो अवेलेबल है, जैसे बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो यहाँ पे अभी घास का वो इश्यू है, तो वो अभी कंप्लेन उस तरह से होगी तो ये भी साफ हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे जेनिस ने बताया कि जब ये पहले स्टार्टिंग में आए थे फर्स्ट टाइम, तो ऐसा था कि दरवाजे की इश्यू थी, वो सब था, अच्छे नहीं थे, तो जब एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई उसके बाद वापस आए तो सब सारी चीज़ें ठीक थी। तो ऐसा आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, और क्या बताना चाहेंगे? हम बताना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे नहाने धोने की सारी सुविधा है, पानी की कोई तंगी नहीं रहती, पर कभी कभार अगर पानी लेट से आया और टंकी भरने में देरी हो गई तभी थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, और ऊपर सोलर भी है यहाँ पे, जब ठंडी का मौसम होता है तभी सोलर भी चालू होते हैं, और गर्म पानी की भी सुविधा है, इसलिए नहाने धोने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ठंडी सर्दी के मौसम में भी यहाँ पर गर्म पानी आप लोगों को मिल जाता है, तो वैसे तो ओवरऑल रिव्यूज या बात करें तो सबके अच्छे रिव्यूज है, तो अच्छी है एक्चुअली, तो कभी कभार प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वो तो फेस करना ही पड़ता है, जैसे कि
हॉस्टल है उसमें तो आपको ही पता है, सबको पता ही है स्ट्रगल्स तो रहती है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा रिव्यूज के बारे में, इससे आपको फ़ायदा होगा कि सोचने में बेनिफिट होगा कि हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ पे जो रहते हैं उससे ही पूछ लेते हैं तो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रहा था, मैं अहमदाबाद से अपडाउन करता था, तो आप लोगों ने देखा कि अच्छे से लोगों ने बताया अच्छे से रिव्यूज। तो गाइज यहाँ पर वीडियो एंड कर देता हूँ, बाय बाय गाइज़।